नमस्कार दोस्तों, मैं सौ प्रजापत मैगम किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो सर्दियों की रेसिपी है जो हमें बहुत पसंद है। तो आज हम बनाएंगे मसाला दूध बहुत इजी रेसिपी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं सर्दियों की क्यूक रेसिपी को और पीते हैं गर्म गर्म कुल्हड़। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की शानदार रेसिपी मसाला दूध, जो हम अक्सर सर्दियों के दिनों में बाहर दुकानों पर पीने जाते हैं। आज हम आपको घर बनाना बताएंगे। सबसे पहले 1 लीटर दूध हमने लिया है और इसको गर्म करेंगे। अब एक्चुअली दूध पहले हमने गर्म किया है, फिर इसके अंदर डाल रहे हैं ताकि दूध गर्म होने में थोड़ा टाइम कम लगे। और अब हम इसको और गर्म करेंगे। उबाल आने से पहले पहले इसको थोड़ा तेज आंच पे गर्म करें, फिर आंच को धीमे कर देंगे, इससे दूध पे मलाई अच्छी आएगी। तो दूध उबाल आ चुका है हमारा। अब हम गैस को थोड़ा मीडियम फ्लेम पे कर देंगे, इससे धीरे धीरे दूध उबलता रहेगा और मलाई इसके ऊपर आती जाएगी। तो जो जो आपके दूध पर मलाई आती जाए उसको ऐसे एक साइड कर ले चम्मच की सहायता से, जिससे आपके मसाला दूध में मोटी मोटी मलाई आएगी। तो दूध पे अच्छी खासी मलाई आ चुकी है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा छोटा चम्मच और थोड़ी सी ऊपर और इलायची, जिससे इसका टेस्ट दोगुना हो जाएगा। इलायची डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी सैफ्रॉन, केसर। वाह, केसर तो लाजवाब। केसर इसको थोड़ा सा कलर और थोड़ी सी महक देने के लिए। जब आपका दूध थोड़ा अच्छे तरीके से रट जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा दूध और डाल लें, क्योंकि इसके ऊपर हमने पहले मलाई लेके आ चुके हैं, जिससे हमारी दूध की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो दूध अच्छा खासा रट चुका है और जो केसर की जो महक है वो बहुत ही अच्छी आ रही है। थोड़ा और रटने देते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर मलाई तो काफ़ी अच्छी आ चुकी है। जो हम बाहर दूध पीते हैं उसके अंदर वो थोड़ा सा कलर डालते हैं, इसके कारण इसका पीलापन आ जाता है। तो अगर आपको भी चाहिए पीलापन तो थोड़ा सा येलो कलर आता है, स्वीट येलो, वो डाल दें। तो हमने ये स्वीट येलो कलर लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और पानी मिलाने के बाद इसके अंदर धीरे धीरे चम्मच से डाल देंगे ताकि हमारा कलर थोड़ा ज़्यादा ना पड़े इसके अंदर। ये देखिए, मतलब थोड़ा सा येलो कलर गया नहीं और इसका कलर एकदम येलो हो गया, इसलिए आप थोड़ा चम्मच से ही डालें ताकि इसके अंदर जितना आपको पीलापन चाहिए ना आ जाएगा। इसको थोड़ा और गाढ़ा होने देते हैं। तो हमारा दूध ये काफ़ी हद तक पीला हो चुका है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, इतना गाढ़ा हो चुका है। तो गैस को
बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे करते हैं। जो थोड़ा सा कलर का डिफरेंस है, जो कैमरे में कलर दिख रहा है, जो रियल कलर है, रियल कलर काफ़ी अच्छा है, पर कैमरे में थोड़ा कलर लाइट नजर आ रहा है, तो ये कैमरे की थोड़ी सी लाइटिंग की वजह से अब दिक्कत है। तो अब हम इसके ऊपर जो मेवे डाले जाते हैं ना, वो डाल दें इसके ऊपर थोड़े से महीन किसे हुए पिस्ता और काजू डाले जाते हैं। तो पिस्ता डालते हैं इसके अंदर, अभी एक किसे हुए काजू डालते हैं। तो अब हम गैस स्विच ऑफ कर देते हैं। तो हम सबसे पहले इसके अंदर एक चम्मच ये थोड़ी सी शक्कर, सबके पसंद अनुसार शक्कर डालेंगे हम, मीठा जितना ज़्यादा होता है उतने। और अब ठीक से मिला लेंगे। और अब हम इसके अंदर ये रखेंगे कुल्हड़, इसके अंदर आता है असली दूध का मज़ा, उसके अंदर ही डालेंगे दूध। ये यस, अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर डालेंगे मलाई, जो इस दूध को बनाएगी अब खास। ये लीजिए मलाई, अब इसके ऊपर थोड़े से पिस्ता और ये काजू काजू। तो चलिए तैयार है हमारा मसाला दूध, एकदम रेडी हो गया है, गर्मा गर्म पीजिए और सर्दी का लुत्फ उठाइए। तो आज की हमारी मसाला दूध रेसिपी आपको कैसी लगी है मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।